बिलौर के बाद बिहिया में तालाबों के बीचों बीच में सूर्य मंदिर यहाँ एक पहली बार देखी जा रही है। काफ़ी यहाँ पे छठ व्रतियों का भीड़ होता है। आप पूजा समिति के सदस्य भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की यहाँ पूजा होती है? यहाँ जो पूजा होती है लगभग भव्य रूप से होती है। जब से मंदिर बना है बिहिया का पूजा जो है छठ पूजा है एक अपने आप में गरिमा और भव्यता के रूप में माना देखा जाता है और माना जाता है। ये यहाँ जो जितने भी छठ व्रती हैं पूरी भक्तिपूर्ण रूप से आते हैं यहाँ घाट पर और माँ की पूजा करती हैं और हमेशा लगे रहते हैं यहाँ पर अपने छठ पूजा के लिए। कब से लमसम यहाँ छठ हो रहा है? छठ तो यहाँ लगभग हमारे जन्म से पहले से हो रहा है, लेकिन जब से ये मंदिर बना हुआ है हमको लग रहा है कि 6 साल पहले से यहाँ मंदिर बना हुआ है। हमारे माननीय जगदीश प्रसाद के लड़के जो हैं रामाशंकर जी, उनके निर्देशानुसार ये मंदिर बना और उनके दान उपरांत ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ की पूजा जो है अपने आप में एक गरिमा और भव्यता के रूप में देखी जा रही है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ छठ व्रती करने आते हैं? कितनी लागत से ये मंदिर बनी है? लगभग अनुमानतः 1 करोड़ लागत से ये मंदिर बनी हुई है और यहाँ से दूर दूर के लोग गाँव के लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, रहते भी हैं। और उनके लिए क्या व्यवस्था करती है पूजा समिति? 2-3 धर्मशालाएँ हैं, जैसे साहू कैलिक धर्मशाला है, हरिनाथ धर्मशाला है, वहाँ पर उनको रहने के लिए सोने के लिए उचित खाना के लिए व्यवस्था सारी व्यवस्थाएँ की जाती है। COVID-19 के देखते हुए छठ पूजा समिति आपका किस प्रकार दिशा निर्देशित करते हुए छठ व्रती को यहाँ परमिशन दे रही है? जी बिल्कुल, हमको जिस प्रकार जो दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहन कर आए, 60 वर्ष के बुजुर्ग जो हो घाट पर ना आए, छोटे बच्चे हैं जो
चार साल या पाँच साल के नीचे के बच्चे हो वो भी ना आए, हम लोग अपने कमेटी के अलाउंसमेंट कर द्वारा पूरे बिहिया बाजार में अलाउंस करा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है और बिना मास्क के यहाँ पर घाट पर नहीं आना। सबसे बड़ी बात और आखिरी सवाल, रेलवे क्रॉस करके छठ व्रतियों को काफ़ी लोग को यहाँ आना पड़ता है, उसके लिए क्या व्यवस्था दी जा रही है? यहाँ पर बिहिया का जो लोकल प्रशासन है और यहाँ के तमाम जितने भी समाजसेवी हम लोग सभी लोग मिलकर यहाँ पर पूरब साइड में एक अस्थायी क्रॉसिंग बनाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग रात 2 बजे से सुबह जब तक कि छठ व्रती लोग चले नहीं जाते हैं वहाँ पर सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं और सभी छठ व्रती को आराम से क्रॉसिंग पार कराते हैं। शाम को भी पुलिस बल रहती है वहाँ पे? शाम को भी रहती है और सुबह को भी। नगर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था दी गई यहाँ? नगर प्रशासन द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ तहाँ गड्ढा वगैरह है, माठ से CCTV लगाया गया है इसमें और सुरक्षा के दृष्टि से CCTV कैमरा लगाया गया है और घाट वगैरह बनाया जा रहा है, मिट्टी उट्टी डलवा कर उधर घाट गिराया जा रहा है, ब्रैकेटिंग किया गया है, व्रतियों के लिए स्नान घर बनाया गया है, ये सब जो है नगर पंचायत द्वारा किया गया है। ठीक, परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार गुप्ता, छठ पूजा समिति